दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि CDR क्या होता है, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर की सर्विस में ये क्या चीज़ होती है CDR। CDR का दोस्तों पूरा नाम होता है सेंट्रल डिप्यूटेशन रिजर्व। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको शॉर्ट में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब आप IAS, IPS, IFS ऑफिसर बनते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको एक मतलब हमारे देश में अलग अलग राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग कैडरों में डिवाइड किया गया है। तो बहुत से कैडर में दो या तीन, चार या पांच राज्य शामिल हैं, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं उसमें। इस टाइप से डिवाइड किया गया है, तब दोस्तों इनमें से आपको एक कैडर मिल जाता है और आप उसी गवर्नमेंट के अंडर में काम करने लगते हैं। लेकिन जब बचती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी IAS और IPS और IFS ऑफिसर चाहिए, क्योंकि उनके भी अपने मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट होते हैं, एजेंसियाँ होती हैं। तो इसलिए वो हर राज्य सरकार को बोलते हैं कि इतने पद हमें आपके ऑफिसर चाहिए, IAS, IPS और IFS ऑफिसर चाहिए जो हमारे यहाँ काम करेंगे। तो उसी दोस्तों जो लगभग 25% का जो कोटा होता है उसको ही CDR बोलते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि CDR क्या होता है। तो CDR पे अगर कोई ऑफिसर जाता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करने लगता है, जब तक जो उसका कार्यकाल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निश्चित किया जाता है